टेस्ट बुक लेकर आ रहा है कुछ ऐसा जो है वक्त से आगे और कल्पना से परे। एक ऐसा रण जिसमें नहीं होगा कोई अस्त्र शस्त्र, सवालों का होगा प्रहार, जीतेगा वही जिसके पास होगा ज्ञान का भंडार। होंगे कई योद्धा जो भेदना चाहेंगे चक्रव्यूह को, करके हर चुनौती को पार, होंगे पुरस्कार अपार, और जो हर चुनौती को करेगा पार उसी की होगी जय जयकार। रणभूमि है तैयार, बस योद्धाओं का है इंतजार। नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। इंडियन कोस्ट गार्ड ने ग्रुप बी में चार्जमैन की पोस्ट लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है और हम इसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं जो हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट जानेंगे जहां पर ये नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे इसका वैकेंसी काउंट क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी स्ट्रक्चर और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, और फिर मैं आपको लेकर चलूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो देखिए, indiancoastguard.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टोटल जो वैकेंसीज है वो आपकी 9 है, 9 वैकेंसीज यहां पर निकली हुई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का बाइफर्केशन हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। लास्ट डेट जो आपके अप्लाई करने की है वो है आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इस नोटिफिकेशन के पब्लिश होने के 30 दिन के अंदर, यानी आपका जो है 13 अगस्त को पब्लिश हुआ था, तो आप मानिए कि 12 सितंबर 2021 लास्ट डेट है इसके अप्लाई करने की। आप 12 सितंबर या 12 सितंबर से पहले ही आप इसको अप्लाई कर दीजिए, और इसमें आपको अप्लाई ऑफलाइन करना है। फॉर्म आपका जो है वो मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन के साथ, और उसमें एड्रेस भी दिया हुआ जहां पर आपको फॉर्म फिल करके सेंड करना है। तो ऑफलाइन मोड में आपको इसमें अप्लाई करना है। एज लिमिट आपकी यहाँ पर 30 साल है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या मरीन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। अगर आपने इनमें से किसी भी ट्रेड में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी जो है वो पे लेवल 6 में आएगी, यानी 35,400 रुपीज़ आपकी सिर्फ बेसिक पे होगी। उसमें अलाउंसेज आपको अलग से दिए जाएंगे। तो सैलरी आप देखिए, अलाउंसेज में आप TA जोड़ेंगे, DA जोड़ेंगे, HRA जोड़ेंगे, तो आपकी सैलरी 50,000 के आसपास बनने वाली है। तो सैलरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। सिलेक्शन आपका जो है वो रिटन टेस्ट के बेसिस पर होगा। जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, जो रजिस्ट्रेशन आएंगे, उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। और अब मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। तो देखिए, अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स का। पोस्ट का नाम देखिए यहाँ पर क्या है, चार्जमैन जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी नॉन गेस्टेड। ग्रुप बी की नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, चार्जमैन की पोस्ट है, और पे लेवल 6 में आएगा, 35,400 बेसिक पे रहेगी। और इसमें देखिए आपकी 9 वैकेंसीज हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी की 4, EWS की 1, OBC की 2, SC ST कैटेगरी की एक एक वैकेंसीज निकली हुई है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो आपने डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मरीन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज लिमिट मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए, 30 साल ज़्यादा एज लिमिट यहाँ पर नहीं रखी जाएगी। और यहाँ पर देखिए अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका रिटन टेस्ट यहाँ पर कराया जाएगा। रिटन टेस्ट के बेसिस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। रिटन टेस्ट के सिलेबस अगर हम बात करें, रिटन टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो आपका जनरल नॉलेज आएगा, अर्थमेटिक आएगा, जनरल इंग्लिश आएगा, मेंटल एबिलिटी आएगा, और आपके जो एक्सपीरियंस रिलेटेड टॉपिक है उनसे आपसे पूछा जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, आपको जो है वो प्रोफार्मा आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर, उस प्रोफार्मा को फिल करके आपको भेजना है। और मैंने बताया था कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जब ये पब्लिश हो जाएगा नोटिफिकेशन, उसके 30 दिन के अंदर आपको भेजना है। तो 13 तारीख को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हो चुका है, तो उससे आप 30 दिन जोड़ लीजिए, 12 सितंबर आपके 30 दिन बनते हैं। और आपको कहां पर भेजना है, ये एड्रेस है, द डायरेक्टर जनरल फॉर CSO रिक्रूटमेंट कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स, डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट, C1 फेज 2 इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा UP 201309। ये एड्रेस है, और ये आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। यहाँ पर आपको फोटो लगानी है, अपना नाम लगाना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस विद पिन कोड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको बताना है, अपना जेंडर, नेशनलिटी, कैटेगरी,
थंब इंप्रेशन और अपने सिग्नेचर आपको करने हैं। तो ये आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी मिल गया है। तो ये छोटा सा नोटिफिकेशन है जिसमें सारी जानकारी दी हुई है इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो चार्जमैन ग्रुप बी की पोस्ट है उसकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसमें टोटल 9 वैकेंसीज निकली हुई है। सैलरी काफी अच्छी है, 35,400 तो आपकी सिर्फ बेसिक पे है, उसमें आपको अलाउंसेस अलग से दिए जाएंगे। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन हो गया। और समय समय पर जो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के साथ आप तैयारी कर सकते हैं 370 प्लस एग्जाम्स की, और इसमें आपको 23,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी देखिए यहाँ पर महंगे कोचिंग से आपको आज़ादी के लिए सेल चल रही है, यानी आप 14 महीने का पास जो है वो सिर्फ 299 रुपये में अवेल कर सकते हैं, और घर बैठे आप 370 प्लस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप मोबीक्विक यूज़र हैं और मोबीक्विक से पेमेंट करते हैं तो आपको 15% का कैशबैक भी मिलेगा। तो ये था इंडियन कोस्ट गार्ड ग्रुप बी चार्जमैन की पोस्ट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।